मेरा नाम पवन ठाकुर है। मैं मूलतः जिला कुल्लू तहसील निरमंड का स्थायी निवासी हूँ। आज के इस विषय में हम निरमंड का इतिहास, लोक संस्कृति एवं देव परंपरा के बारे में जानेंगे। विश्व के पटल पर सुसज्जित एक राष्ट्र आर्यव्रत या भारत, उसके कंठ प्रदेश में बसा एक प्रदेश हिमाचल, और हिमाचल की उत्तरी पश्चिमी तलहटी में बसा सुंदर आकर्षक भव्य मनभावन जनपद नाम है कुलांतपीठ, जिसे कुल्लू कहा जाता है। कुल्लू जिले में स्थित निरमंड गांव हिमाचल के बड़े गांवों में से एक है। यह गांव केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि परशुराम जी ने निरमंड गांव की स्थापना की और 1200 वर्षों तक यहां घोर तपस्या की थी। हिमालय के मध्योत्तर खंड में जलंधर पीठ के अंतर्गत समुद्र तल से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह गांव शिमला से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके दाहिनी ओर सतलुज तथा बाईं ओर कुरपन नदी है, जिनका संगम ड्रोपा नामक स्थान पर होता है। निरमंड छोटी काशी के नाम से भी विख्यात है। निरमंड का पारंपरिक त्यौहार बुड्ढी दियावड़ी है। बुड्ढी दियावड़ी पर भी एक अनोखी परंपरा है। कुल्लू जिले का निरमंड क्षेत्र, यहाँ पर आज भी इस परंपरा का निर्वहन कई सदियों से किया जाता है। वैसे तो समुचित देश में दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या की रात को मनाया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में यह त्यौहार मार्गशीर्ष की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। निरमंड की देव संस्कृति की ओर ले चलते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं माँ अम्बिका। माँ अम्बिका इस क्षेत्र की प्रमुख देवी है। जहाँ भी कोई बड़ा अनुष्ठान या यज्ञ होता है, वहाँ देवी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। इस देवी का प्राचीन नाम बोडीज है, अर्थात बड़ी माँ। लोग इसे महामाई के नाम से भी पुकारते हैं। गांव के पश्चिमी छोर पर काठकुड़ी शैली में निर्मित माँ का कलात्मक मंदिर भव्य एवं दर्शनीय है। शैलखंड पर उत्कीर्णित श्याम वर्णा माँ अम्बिका की द्विविध प्रतिमा अभय मुद्रा में मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। माँ के मस्तक पर त्रिशूल की तीन रेखाएं हैं। गर्भगृह के साथ वाले कक्ष में हवन कुंड है, जो केवल भुंडा महायज्ञ के दौरान ही खुलता है। इस कक्ष के ठीक सामने मंदिर प्रांगण में पाषाण सिंह युगल विराजमान है। भारी मुख्य द्वार के समीप माँ के चरण कमल सुशोभित है। मंदिर के चारों ओर किला नुमा दीवार दी गई है। इसकी छत ताम्र पत्रों से व फर्श संगमरमर जड़ित है। गांव से मंदिर तक पहुंचने के लिए 365 सीढ़ियां हैं तथा लगभग 150 किलोग्राम वजन का विशाल कंस्य घंटा लटका हुआ है। जनश्रुति के अनुसार कांगड़ा की माँ ब्रजेश्वरी देवी माँ अम्बिका की बहन है। कहते हैं कि माता कांगड़ा ने अपने संकट के दिन यहाँ व्यतीत किए थे। अब भी दोनों बहनें सुख दुख में एक दूसरे के पास आती जाती है। माँ अम्बिका चार चंबू व सात भराड़ी की माता है, अर्थात माँ अम्बिका के चार पुत्र व सात पुत्रियाँ हैं। अब हम परशुराम कोठी के बारे में जानेंगे। निरमंड में भगवान परशुराम की पाषाण एवं काष्ठकला युक्त एक 3 मंजिला कोठी है, जिसमें छत से लेकर निचले दरवाजों तक लटकी लोहे की श्रृंखला शोभामान है। यह कोठी लोश कोठी के नाम से भी जानी जाती है। परशुराम की कोठी की छत पर स्लेट लगी है। छत के चारों ओर लकड़ी की सुंदर झालरें लटक रही है। देवी अम्बिका मंदिर कमेटी का कार्यालय भी इसी कोठी में है। इस कोठी की ऊपरली मंजिल में अन्न भंडारण के लिए कक्ष बने हैं तथा देवरथ व अन्य सामग्री भी इस कोठी के भीतर ही रहती है। इसके अतिरिक्त इस कोठी में 7 बड़े बड़े कमरे हैं। निचली मंजिल के मध्य द्वार के भीतर 7 कमरे भूमिगत है, जो बिल्कुल अंधेरे हैं। 7वें कक्ष में भगवान परशुराम की समाधि है, जहां उन्होंने 1200 वर्षों तक तपस्या की थी।
यह द्वार बुंडा महायज्ञ के दौरान ही खुलता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मंदिर भी है, दक्षिणी महादेव मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, विश्वेश्वर महादेव, श्री चंडी माता मंदिर। निरमंड से 17 किलोमीटर दूर बागीपुल बाज़ार आता है और यहीं से बागासरान और श्रीखंड महादेव के लिए रास्ता कटता है। बागीपुल से बागासरान 12 किलोमीटर दूर है। यह गांव बहुत ही अद्भुत है और यहां का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। मान्यता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान श्रीखंड होते हुए यहां पर रुके थे। यहां पर एक ऐतिहासिक घास का मैदान भी है। इसे शिवा वैली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके स्थानीय देवता इन्हें जिलांडी महादेव कहते हैं। इन्हें बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जिलांडी महादेव, शाना ऋषि, देवघृषाई, बड़ा देवता और बुढ़ा सलोनी। ये 5 गढ़ 24 कोटी सराज के मालिक गणपति शाना ऋषि जी है। ये ब्राह्मगढ़ के सबसे बड़े देवता भी है। ये देवता साहिब रियासी नाग जी है और उनके पीछे देवी माँ चलाशनी जी है। देवी माँ चलाशनी जी को क्वीन ऑफ श्रीखंड वैली भी कहा जाता है। और ये है श्रीखंड महादेव, यहाँ तो स्वयं महादेव वास करते हैं। यहाँ पर हर वर्ष बहुत से यात्री यात्रा करने आते हैं। इस यात्रा पर भारत के ही नहीं अपितु विदेशों से भी कई यात्री महादेव के दर्शन करने आते हैं। श्रीखंड महादेव की यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा होती है और इसे ऋषि वैली कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सप्त ऋषियों में सबसे बड़े प्रभु ऋषि मार्कंडेय जी और 7 ऋषियों में सबसे छोटे प्रभु ऋषि मार्कंडेय जी रहते हैं और प्रभु के अन्य 5 भाई कुल्लू, मंडी व बंजार में स्थित है। मारे लो ऋषिया तेरी जयकार, मारे कंडे ऋषिया तेरी जयकार, शोभला रथड़ो कुंडल सारी दुनिया खुशी दे मालिका, जुगाओ जुगाली खुशी दे मालिका, पूरी तेरे मानारी आशा तुरिशिया पूरी तेरे मान। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।